चलिए भाई, क्वेश्चन सर लगाए हो तो पूछिए, इससे प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन लगाए हो किसी ने तो पूछिए। हाँ भाई, अच्छा 1.4 का थर्ड वाला। अच्छा अच्छा दोनों बता रहे हैं। अच्छा वो भी बता दे रहे हैं। अच्छा भाई, जो प्रॉब्लम होगी आपकी बता देंगे। ज्यादा देर क्लास नहीं लिया, तबीयत नहीं ठीक है भाई, बहुत दिक्कत हो रही है। खांसी जुकाम बहुत ज्यादा हो गया मेरे। सुबह सुबह निकलना होता है 7:15 बजे। 1.4 का एक बार फिर से बोलिए। 1.4 कौन सा, फिर से बोलिए एक बार। 1.4 का, 1.4 का फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला है ना। चलिए ठीक है, पहले इतने क्वेश्चन बता, सेवेंथ वाला भी ठीक है, सेवेंथ भी बता देंगे। चलो इतने क्वेश्चन पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सारे ऑड नंबर। 1, 3, 5, 7, वेरी गुड। चलिए तो कह रहा है आपको, पहला वाला है 1.4 का पहला, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशंस। अभी एक दो चैप्टर और करा देंगे अभी, तो फिर उसके बाद हम लोग सीधे फिर गेट के क्वेश्चन भी लगाएंगे, क्योंकि गेट के क्वेश्चन जो ये चैप्टर वाइज नहीं है, इसीलिए हमको गेट के साथ में इसीलिए नहीं लगाते हुए चल रहे। जब पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर गेट के हम लोग साथ में लगाते। जब आपको गेट के प्रीवियस ईयर की बुक भेज देंगे और आप उसको लगा लेना और जो बताना, हालांकि पुरानी बुक है लेकिन 2018 तक है उसमें, 19-20 का नहीं है और 21 का नहीं है उसमें। 19-20 और 21 जो है वो आप पीछे के ढूंढ सकते हैं, गूगल में सर्च करेंगे पाया जाता है वो। 19-20-21 के पेपर आपको मिल जाएंगे। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे भाई, 80 टाइम जाएगा। ये जून 2012 में आया क्वेश्चन है, ठीक है। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन। चलो ठीक है भाई, ऑफ द ओडी। आपके पास इक्वेशन ये लिखी हुई है, इक्वेशन आपके पास ये लिखी हुई है, टी जहां पर क्या है, कोई रियल नंबर हम लिख नहीं रहे, टी कोई रियल लिख दे रहे, रियल नंबर है। अच्छा कह रहा है वी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन। वी उन्होंने कुछ माना है कोई सेट। वी क्या है भाई, वी जो है सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन, सारे बाउंडेड सॉल्यूशन का सेट है। किसके बाउंडेड सॉल्यूशन, इसके। तो वी बी द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सॉल्यूशन, तो चार ऑप्शन दिए हैं पर दे रहे हैं भाई। तो कह रहा वी क्या होगा, एक रियल वेक्टर स्पेस होगा डायमेंशन 2 का, फिर कह रहा है एक रियल वेक्टर स्पेस होगा डायमेंशन 1 का, फिर कह रहा है इसमें सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यानी इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा यू बराबर 0 और कोई नहीं होगा। बाउंडेड तभी होगा जब यू बराबर 0 होगा। अगला कह रहा है कंटेन्स एग्जैक्टली 2 फंक्शन, मतलब वी दो दो ही सिर्फ सोल्यूशन होंगे भाई। वी में सिर्फ दो फंक्शन है, मतलब वी किसका सेट है, बाउंडेड सॉल्यूशन का। इसका मतलब वी में सिर्फ दो ही सॉल्यूशन आएंगे, बस दो ही सॉल्यूशन इसके सिर्फ बाउंडेड होंगे। फिर जब बोल रहे हैं पहले प्रूफ का, पहला कह रहा है ए पार्ट कह रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन ए कह रहा है कि ये रियल वेक्टर स्पेस होगा वी जिसकी डायमेंशन 2 होगी। ऑप्शन बी कह रहा है ये रियल वेक्टर स्पेस होगा जिसकी डायमेंशन 1 होगी। फिर तीसरा कह रहा है आपका कंटेन्स ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन, यानी इसमें इसका एक ही सोल्यूशन होगा, वो होगा यू बराबर 0, ठीक है। बाउंडेड के केस में कह रहा है बाउंडेड है आपसे कह रहा है। अच्छा फिर कह रहा है कंटेन्स एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, 2 फंक्शन मतलब 2 सोल्यूशन है, इसका मतलब इसमें सिर्फ दो ही सोल्यूशन होगा जो कि बाउंडेड होगा। यहाँ पर बाउंडेड की बात हो रही है, तो चलो हम लोग करते हैं शुरुआत करते हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसके एक काम करते हैं भाई। यू डबल डैश का मतलब हो जाएगा डी स्क्वायर यू टी भाई। डी स्क्वायर माने होता है दो बार डिफरेंशिएशन, वही लिखा हुआ है 4 ऐसे। यू डैश का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, कोई दिक्कत बताइएगा। डी और ये लिखा है 3 UT इक्वल टू 0, तो हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस का 4D प्लस का 3 और ये लिखा आपका UT इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको बताए उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, एम स्क्वायर माइनस का 4M प्लस 3 इक्वल टू 0, तो आ जाएगा m
कितना आएगा भाई, m-1 m-3, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 और 3, ठीक है। और ये इक्वल टू में लिखा है 0, तो PI तो होना नहीं है, बस यही CFE आंसर हो जाएगा। तो UT बराबर कितना आ जाएगा भाई, CFE आंसर हो जाएगा, 1 और 3 दोनों रियल है, अलग अलग है। तो आपको बताया हमने C1 e की पावर m1 t कहना भाई, ठीक है, क्योंकि t के टर्म में है, UT का मतलब t के टर्म में, और प्लस C2 e की पावर m2। अब क्या बोल रहा है भाई, आपसे कह रहा है ये सेट ऑफ बाउंडेड सॉल्यूशन, यानी ये सॉल्यूशन जो है वो बाउंडेड है। आपसे कह रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपका बाउंडेड है। अरे भाई ये बताओ जरा सा, जब आप यहाँ पर ये बाउंडेड कहाँ होगा भाई, पूरे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, टी क्या है जरा बताओ भाई, टी आपका रियल नंबर है। अच्छा ये बताना जरा, जब टी रियल नंबर का समझते हो, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, मालूम ही है भाई। अच्छा जब आप यहाँ पर टी टेंस टू इंफिनिटी लोगे, जब टी टेंस टू इंफिनिटी लोगे तो बताओ जरा क्या आ जाएगा, अच्छा बताना। तो ये फिर तो इंफिनिटी आ जाएगा, ये तो तब तो ये इंफिनिटी आ जाएगा उस केस में, फिर ये बाउंडेड कहां रहा भाई, टी इंफिनिटी लो, ई की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी, ई की पावर 3 times इंफिनिटी, फिर इंफिनिटी, तो बाउंडेड कहां रहा फिर, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। सो नॉट बाउंडेड, सो यूटी क्या हुआ, नहीं होमोजीनियस कहां है, क्या होमोजीनियस कहां है यहां पर, क्या वो है क्या, ये तो वो वाली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली है। तो अरे ये तो एकदम सिंपल सा है, आप इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना रहे हैं, ये क्यों होमोजीनियस होमोजीनियस का नाम की जरूरत नहीं है। क्या यहाँ पर ऐसा लिखा है क्या, टी स्क्वायर लिखा है और यहाँ माइनस का 4t लिखा है, ऐसा लिखा है क्या, जब ऐसा नहीं लिखा है तो कहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा होता तो बन जाता डी। हाँ क्या हुआ, कांस्टेंट कोफिशिएंट के टर्म में भाई डिग्री, भाई हर टर्म की पावर यहाँ पर सेम है तो आप कह सकते हो होमोजीनियस है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, आप इसका नाम लेने की जरूरत ही नहीं है इसकी, ये तो कॉम्प्लिकेटेड बनाना हुआ जबरदस्ती में क्वेश्चन भाई, आपको होमोजीनियस नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको होमोजीनियस क्यों हम लोग बात कह रहे हैं इसकी, होमोजीनियस का नाम लेते ही नहीं है पहली बात इन क्वेश्चन में, कभी नाम ही मतलब भाई चीजों को कॉम्प्लिकेटेड मत बना के पढ़िए। जब अगर आपका यहाँ पर टी स्क्वायर यहाँ पर टी होता तो आप कहते होमोजीनियस की बात है, नॉन होमोजीनियस तब बात करते, जब ये सीधा से क्वेश्चन है आपका तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है ये पार्ट, ये क्वेश्चन, तो आपको कुछ सोचना है, होमोजीनियस की बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, बस सीधे सीधे आप क्वेश्चन लगाना शुरू कर दिए बस खत्म। चलिए इसको वापस बात करते हैं, तो फिर तो ये बाउंडेड आएगा नहीं भाई, टी तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना, यानी टी टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब टी बढ़ाते चले जाओ ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, टी बढ़ाते चले जाओ ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए फिर तो ये आपका बाउंडेड तो होएगा नहीं फिर, जबकि उन्होंने कहा है वी कौन है, सिर्फ बाउंडेड सॉल्यूशन है, जबकि बाउंडेड होएगा नहीं, आप टी बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता चला जाएगा, तो बाउंडेड कहां होगा, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एक काम करेंगे आप, फिर आप एक काम करेंगे, क्योंकि टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये यू आपका इंफिनिटी आ रहा है, टी टेंड्स टू इंफिनिटी पर मतलब टी बढ़ाते चले गए, टेंड्स टू का मतलब टी बराबर इंफिनिटी नहीं रखा, टी टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब है टी आप बढ़ाते चले जा रहे हो, तो यूटी भी क्या हो गया, बढ़ता चला जा रहा है, तो फिर बाउंडेड नहीं हुआ, जबकि वी क्या माना, वी आपको निकालना है, वी क्या है, वी आपका बाउंडेड सॉल्यूशन है, तो ये तो इंफिनिटी आ जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा बाउंडेड सॉल्यूशन है, तो बाउंडेड तभी होगा जब आपका C1 C2 जीरो होगा। सो इसका मतलब ये है यूटी इज बाउंडेड, यूटी आपका बाउंडेड तभी होगा इफ एंड ओनली इफ टी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सॉरी टी कह रहे हैं C1 और C2 दोनों आपका जीरो हो जाएगा, जब C1 C2 दोनों जीरो हो जाएगा तो यूटी बराबर जीरो हो जाएगा। अब टी कितना भी बढ़ा लो, अब टी कितना भी बढ़ा लो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका क्या आ गया, बाउंडेड नहीं हो गया, बाउंडेड हो गया, ठीक है बाउंडेड हो गया। ये तो देखो भाई ये तो फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन है, जब कोई चीज कांस्टेंट होती है तो बाउंडेड हमेशा होती है, जब कोई चीज कांस्टेंट है मतलब वो तो फिक्स है ना,
तो बाउंडेड हमेशा होती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये बाउंडेड हो गया। तो आपका इसका मतलब बाउंडेड कब होगा, बाउंडेड जब होगा जब आपका क्या होगा कंटेन्स ओनली ट्रिवियल सोल्यूशन यू बराबर जीरो, सिर्फ यू बराबर जीरो ही खाली बाउंडेड होगा, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, अगर टी आप घटाते चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाता भाई पीछे की तरफ जाओ टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, लेकिन टी टेंस टू माइनस इन्फिनिटी रखोगे पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, यहां भी पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, तो आपका ये पूरा क्या आ जाएगा, तो आपका ये पूरा जीरो आ जाता, तब तो बाउंडेड हो जाता। लेकिन जब आप अगर टी को बढ़ा रहे हो, आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो, जब आप टी पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं आप, तो ये कितना हो जाएगा इन्फिनिटी आ जा रहा है, जबकि उन्होंने कहा है सिर्फ बाउंडेड की बात कर रहा है। तो बाउंडेड कब होगा, जब सी वन सी टू दोनों जीरो हो जाए, तभी होगा बस। अब और कोई सी वन सी टू रख लो, और कुछ भी सी वन सी टू रख लो जीरो के अलावा, ये बाउंडेड नहीं आएगा। मान लो सी वन वन रख लिया, सी टू टू रख लिया, ये वन और टू रख लिया, सी वन वन रख लिया, सी टू टू रख लिया आपने अगर, तो बताना जरा क्या बात आ जाएगी। जब सी वन वन रख लिया, सी टू टू रख लिया आपने, तो जरा बताना है क्या बात आ जाएगी फिर, e की पावर t, e की पावर थ्री टी हो जाएगा। और t टेंड्स टू इन्फिनिटी लोगे फिर वही इनफाइनाइट आ जाएगा, तो तब उस केस में बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइए भाई। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही ऑप्शन, कोई डाउट हो तो हमको बताइए भाई, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए भाई। चलिए अगर एक कॉल में जीरो रहता है तो होमोजीनस रहता है, लेकिन ये सब आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है भाई, समझे बता रहे भाई। बिल्कुल एक कॉल में अगर जीरो है, यहाँ पर वेरिएबल वेरिएबल नहीं है कोफिशियंट, तब भी अगर इक्वल में जीरो है तब भी उसको होमोजीनस कहते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है सब नाम लेने की यहाँ पर, जब आपको जरूरत पड़े तभी नाम लीजिए। तो अगला आते भाई तीसरा नंबर, डाउट हो तो बता देना भाई, ठीक कहीं पर भी हम फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ये दी है, अच्छा कह रहे, जहां पर x क्या है, x जो है पूरा रियल नंबर है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x जो है पूरा रियल नंबर है, जहां पर f कैसा है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यह आपका जून 2013 में आया है, जून 2013 में आया है क्वेश्चन ये आपका। आगे तो f जो है वो रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ए बी सी के जो है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उन्होंने कहा है, तो कई सारे ऑप्शन दे रहा है, तो हम ऑप्शन लिख लेते जरा सा। तो ए ऑप्शन में दे रहा है, चलो हम ऑप्शन नहीं लिखे, टाइम जाएगा जबरदस्ती। ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में, सब में वाई एक्स की वैल्यू दे रहा है, मतलब वाई एक्स मतलब वाई, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा ये आपको बताना है, सीधी सी बात। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो भाई अब सी एफ तो निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, सी एफ निकालना कौन सा बड़ा काम है, ये हो जाएगा आपका कौन, पहले ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस का वन, ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स, है ना। जब सी एफ निकालोगे तो एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो कर देते हो, तो m बराबर आएगा प्लस माइनस i, ठीक है। ये आपका cf कितना आ जाएगा, जो cf आएगा वो आपका हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है, ये तो करना आता है सबको, अल्फा प्लस i बीटा प्लस माइनस i बीटा वाला लगा दिया। अब जो है ये आपका हो गया, अब जो है अब आप pi कैसे निकालोगे, pi कैसे निकालोगे, क्योंकि pi निकालेंगे यहां पर फंक्शन तो पता नहीं है आपको, पीआई निकालने के लिए यहाँ पर आपको फंक्शन तो पता नहीं है, तो फिर इसको इस मेथड से नहीं करेंगे हम लोग, पीआई वाले मेथड से नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फंक्शन हमको इसमें यहाँ पर नहीं पता है। तो अब हम लोग इसको करते हैं रॉन्सकियन वाले मेथड से, ठीक है।
वेरिएशन ऑफ पैरामीटर रॉन्सकियन वाले मेथड से करेंगे हम लोग। तो करते हैं भाई, तो रॉन्सकियन वाले से करने जा रहे हैं, वी यूज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। वी यूज वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करेंगे। ये C1 का कोफिशियंट U हो जाता था, याद करिए, C2 का कोफिशियंट V हो जाता था, उम्मीद है याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। फिर निकालते थे रॉन्सकियन, W या WX इक्वल टू होता था U V U1 V1। तो U कौन है? cos X, V कौन है? sin X, U1 कौन है? cos का डिफरेंशिएशन, V1 कौन है? sin का डिफरेंशिएशन। तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आएगा आपका cos 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 स्क्वायर sin 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 स्क्वायर, ये आ जाएगा wx। ये हो जाएगा आपका wx, यानी रॉन्सकियन हो गई। फिर आप क्या निकालते थे याद होगा, अब आप निकालते थे fx और gx, f पहले से ही है तो यहां पर gx और hx कर देना। बताया हमने, एक मिनट इंक फिल कर ले, बहुत ज्यादा लाइट चल रहा है मार्कर। ये हो जाएगी आपकी रॉन्सकियन। फिर हमने बताया था क्या निकलता है भाई, इसको इरेज कर रहे हम पूरा। ये आपको मालूम ही है, ये आपका P होता है, ठीक है, dy by dx क्या फॉर्मूला तो पता है ना, ये आपका d2y by dx2, इससे कंपेयर करोगे आप, जब इससे कंपेयर करोगे d2y by dx2 प्लस का P dy by dx प्लस का Q y इक्वल टू आर से कंपेयर करोगे तो p आपका जीरो है इसमें, q आपका यहाँ पर वन है, r आपका fx है, ठीक है। और फिर आप रॉन्सकियन वाले मेथड से कर रहे, रॉन्सकियन आ गई, उसके बाद फिर क्या निकालते थे आप fx, बाकी fx पहले ही से ही क्वेश्चन में, तो gx कर देना उसको, क्या होता था माइनस का vr अपॉन w dx, याद करिए v कौन है आपका, v है आपका sin x, तो हो जाएगा माइनस का sin x, और R कौन है आपका f of x, W कौन है 1, और ये लिखा आपका dx, ठीक है। तो अब इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, अब ये जो भी आएगा क्वेश्चन किसमें है, x के टर्म में तो है, अच्छा कोई बात नहीं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में जो है इंटीग्रल, सारे इंटीग्रल ऑप्शन में किस तरह से है, देखिए जरा सर, इंटीग्रल सारे इंटीग्रल जो है ऑप्शन में वो जीरो से x इंटीग्रल dt है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, अभी भी किसके टर्म में इंटीग्रल आएगा, x के टर्म में। अगर हम इसको ऐसे लिख दे, ये लिख दे 0 से x, और यहां लिख दे आप कितना, और आप इसको किस में कर दो, इसको आप t में कर दो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी वो x के ही टर्म में रहेगा अभी भी, तो ये आपका कितना आएगा, देखना जरा, बात तो वही है ना, अभी भी वही बात है, ये लिख देना sin t, और यहां लिख देना ft dt, कोई दिक्कत नहीं भाई,
अभी भी ये किसके टर्म में, एक्स के टर्म में, और अभी भी ये किसके टर्म में, एक्स के ही टर्म में तो आएगा, क्योंकि ये टी के टर्म में आएगा, लिमिट जीरो से एक्स लगेगा, एक्स के टर्म में आएगा, तो ये आपका हो गया जी एक्स। फिर क्या निकालते थे आप, फिर निकालते थे एफ एक्स और जी एक्स निकालते थे, क्योंकि एफ एक्स पहले ही थे, इसलिए जी एक्स और एच एक्स कर दे रहे। एक बार वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला मेथड देखना भाई। तो अब ये एच एक्स निकालोगे आप, तो एच एक्स हो जाता था माइनस का यू आर अपॉन डब्ल्यू, सॉरी माइनस नहीं होता इसमें, ये हो जाता है यू आर अपॉन डब्ल्यू डी एक्स। तो जरा बताना क्या आ जाएगा भाई आपका, ये यू है आपका कौन, यू था आपका कॉस एक्स, और आर कितना था आपका, आर था एफ एक्स, और डब्ल्यू तो वन है। इसमें भी वही बात, इसको भी ऐसे लिख लो भाई, अभी भी एक्स के टर्म में इंटीग्रल है, और जब जीरो से लेकर के आप ऐसे लिख दोगे टी करके, जब जीरो से आप टी लिख दोगे, और सॉरी जीरो से एक्स कर दोगे, और यहां कर देना आप कॉस टी, और ये कर देना एफ टी, और ये हो जाएगा डी टी, अभी भी एक्स के टर्म में है, तो ये आपका हो गया एच एक्स, जी एक्स और एच एक्स हो गया। फिर इसके आगे सोल्यूशन आपको मालूम ही है क्या होता था, वो भी लिख दे रहे हम, हो गया इतना। फिर आपको पता है भाई इसमें सॉल्यूशन में क्या होता था, फिर आखिरी में होता था सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में होता था वाई बराबर, एक तो सी एफ लिखते थे आप पहले, तो सी एफ या सी वन यू प्लस सी टू वी लिखते थे हम, सी वन यू प्लस सी टू वी, और फिर यहां होता था एफ एक्स, एफ एक्स नहीं है भाई, जी एक्स और एच एक्स माने आपने, जी एक्स इंटू यू और प्लस एच एक्स इंटू वी, तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए आ गया सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू आ जाएगा सी वन, यू की वैल्यू तो आपकी cos x है, ठीक है, सी वन की जगह उन्होंने a और b करा, तो हम भी a और b कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इंप्रूवमेंट आपके जो ऑप्शन है वो a और b लिख के आ रहा है कॉन्स्टेंट, कोई बात नहीं, आप a और b कर दो, तो आ जाएगा a u की वैल्यू है cos x, और b ऐसे ही जी की वैल्यू है sin x, और जी एक्स आपका कौन है, जी एक्स आप अभी पीछे निकाल के आ रहे हैं वो लिख दे रहे हैं हम, जी एक्स आपका जीरो से x माइनस का साइन टी, और एफ टी, एफ टी डी टी, और यू कौन है, यू यू सी के आगे यहां लिख दे रहे हैं, यू कौन है आपका, यू की वैल्यू है आपकी कॉस एक्स, फिर प्लस वी की वैल्यू है आपकी साइन एक्स ऐसे ही, और एच एक्स कौन है आपका, एच एक्स है आपका जीरो से एक्स, ये लिखा है कॉस टी एफ टी डी टी। तो ये आपका हो जाएगा a cos x प्लस का b sin x, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में ये इंटीग्रल जो है आपका थोड़ा सा एक साथ कर लेना, एफ टी एक साथ कर लेना, तो आपका प्रूवमेंट हो गया। देखिए जरा सा, जीरो से x ऐसे ही, और एफ टी बाहर कर लेना, इंटीग्रल इंटीग्रल के बाहर नहीं, कॉमन कर लेना, ये लिखा है sin x cos t, ये वाला पहले लिखो, sin x अंदर ले लो, साइन एक्स कॉस टी और माइनस कॉस एक्स साइन टी, और ये कितना लिखा आपका एफ टी डी टी, ऐसे ही ये फार्मूला बन गया है साइन ए माइनस बी का, तो ये लिखा है ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है आपका फार्मूला साइन ए माइनस बी, और ये एफ टी डी टी। चलो कोई दिक्कत बताइए, आंसर आ गया, ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए हो गया भाई, और आगे आते हम लोग, वन थ्री हो गया, फाइव आते हैं, फाइव में क्या लिखा है देखिए जरा भाई, आगे बढ़ते हैं फाइव में, क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर पांच लिखा है भाई, कह रहे द सॉल्यूशन ऑफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस का वाई इक्वल टू कॉसेक एक्स, जहां पर एक्स कह रहा है आपका जीरो से पाई बाई टू के बीच है, और वाई जीरो इक्वल टू दिया आपको जीरो, और वाई पाई बाई टू इक्वल टू दिया आपको जीरो, ये दिया हुआ आपको जून 2012 में आया है, 4.75 मार्क्स में, यानी मल्टी करेक्ट वाला है,
यानी एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चन या मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है, एक भी सही हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है, एक या एक से ज्यादा सही। जून 2012 में आया है भाई आपका ये क्वेश्चन, 4.75 मार्क्स का है आपका। अच्छा तो कह रहा है क्या क्या होगा, तो कह रहा है सॉल्यूशन जो होगा, ए ऑप्शन है आपका कॉन्वेक्स होगा, बी ऑप्शन है आपका कॉनकेव होगा, चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है अभी। फिर कह रहा है सॉल्यूशन नेगेटिव होगा, सॉल्यूशन नेगेटिव होगा इस इंटरवल में, इंटरवल क्या दिया 0 से पाई बाई 2 के बीच, या तो सॉल्यूशन क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा सॉल्यूशन, पॉजिटिव सॉल्यूशन, नेगेटिव सॉल्यूशन, कॉन्वेक्स सॉल्यूशन, कॉनकेव। तो ये आपको इतनी चीज दे रहा है, पहले तो काम करिए आप, पहले तो दी गई क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालिए आप। आपको पता है यहाँ पर कौन है, कॉसेक है, तो आपके पास दो मेथड होते हैं साइन और कॉस के अलावा, जब टेन कॉट से कॉसेक रहता है तो या तो आप उससे लगाइए जो हमने एक्सरसाइज एकदम लास्ट में पढ़ाई थी याद है ना, क्यू वाले मेथड से, या तो फिर आप उससे लगा लीजिए किससे, या तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से करिए, दो मेथड होते हैं। चलो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कर दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको डी टू आई बाई डी एक्स टू आपको दे रहा है आपको प्लस का वाई, और ये लिखा है कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस का वन वाई और इक्वल टू लिखा है कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस का वन इक्वल टू जीरो और एम बराबर हो जाएगा प्लस माइनस आई। तो ये आपका सी एफ कौन हो जाएगा जरा बताना भाई, ये हो जाएगा सी वन कॉस एक्स प्लस का सी टू साइन एक्स, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से लगा रहे ठीक है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से लगा रहे हम, तो साइन कॉस होता तो नॉर्मल क्वेश्चन हो जाता, लेकिन यहाँ पर सेक कॉसेक या कॉट और टाइन होता है, तो आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से लगा लो ज्यादा इजी पड़ता है। तो यू कौन हो गया जरा बताइए भाई, यू हो जाएगा आपका कॉसेक, वी हो जाएगा आपका साइन एक्स, तो W कौन हो जाएगा, अभी पीछे निकाला है पीछे W निकाल ले रहे, W हो जाएगा यू वी यू वन वी वन, ये आपका वन आया था ठीक है, पीछे भी कर चुके सेम आपका। फिर क्या निकालते हो आप, फिर आप निकालते हो A सॉरी एफ एक्स और जी एक्स, भाई उसमें जी एक्स ऐसे लिख दिया था क्योंकि जी एक्स पहले से था, एफ एक्स पहले से था इसलिए लिखना पड़ा, इतना लिखे जल्दी से। ठीक है इरेज कर दें, हाँ, फिर आपका एफ एक्स होता है, ये होता है आपका माइनस का वी आर अपॉन डब्ल्यू और डी एक्स, आर कौन होता है पता ना, ये वाला टर्म आर होता है और वी तो मालूम ही है, वी आपका साइन एक्स है, आर है कॉसेक एक्स और डब्ल्यू आपका वन है और ये डी एक्स, साइन इंटू कॉसेक वन डी एक्स का एक्स, ये आपका हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। फिर जी एक्स निकालते हो, जी एक्स क्या होता है, जी एक्स होता है आपका यू आर अपॉन डब्ल्यू ठीक है, तो यू की वैल्यू कौन है, यू आपका कॉसेक्स और आर कौन है आपका कॉसेक एक्स और डब्ल्यू आपका वन है, कॉसेक को लिख देना वन अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस अपॉन साइन कॉटेक्स, कॉटेक्स की वैल्यू होती है लॉग साइन एक्स, कॉटेक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, ये आपका हो जाएगा जी एक्स। फिर आखिरी में सॉल्यूशन निकालना है, तो आखिर में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो भी लिख दे रहे हैं हम लोग, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका सॉल्यूशन होता था वाई बराबर, पहले तो पूरा पूरा सी एफ जो आया है वो लिखोगे, सी एफ कौन था सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स पूरा पूरा सी एफ, और फिर क्या लिखते हो, फिर आप लिख देते हो यहाँ पर एफ एक्स इंटू यू और जी एक्स इंटू वी, तो कितना आएगा जरा बताना भाई आपका, तो ये आ जाएगा सी वन कॉस एक्स C2 sin x और fx आपका माइनस एक्स है और u कौन है, u आपका cos x था, तो माइनस का x cos x प्लस जी एक्स इंटू वी, तो जी एक्स आपका log sin x है, v आपका sin x है, तो आ जाएगा sin x और इंटू log sin x। यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइए, यहां तक में कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब उन्होंने कंडीशन भी तो दी है, ये कंडीशन जो देता है वो किसके लिए देता है, सी वन सी टू निकालने के लिए, तो ये कंडीशन यूज करके हम लोग सी वन सी टू निकालने जा रहे हैं, तो इसको एक क्वेश्चन नंबर वन मान लेना, डिफरेंशियल क्वेश्चन में टाइम लगता है इसीलिए हम सबको यही राय देते हैं भाई, तो एग्जाम में पहले रियल एनालिसिस हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, पहले इनके क्वेश्चन लगाइए, फिर अगर आपके पास इनके क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और टाइम है और आप क्वेश्चन और कर सकते हो तो डिफरेंशियल में तब जाइए,
लेकिन एक बार डिफरेंशियल में जरूर चले जाना, कई बार बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, टफ नहीं है क्वेश्चन। अभी आप पहले पहले शुरुआत में पढ़ रहे हो, अभी आप जब और प्रैक्टिस आपकी अच्छी से हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा, तो ये टफ नहीं है कोई। ठीक अच्छा, जरा देखना आगे इसको इरेज कर रहे हैं। तो ये आपका सॉल्यूशन आ चुका है, लेकिन अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं आया है, क्योंकि कंडीशन जो दी है वो दी है सी वन सी टू निकालने के लिए। तो वाई जीरो आपको दे रहा है जीरो, ये वाला उठा लेना भाई। वाई जीरो को कितना हो जाएगा, साइन जीरो जीरो खत्म, ठीक है ना। वाई जीरो निकाल रहा भाई, तो वाई जीरो कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक्स की जगह पूरे में जीरो पुट कर दीजिए, पूरे में एक्स की जगह पे जीरो पुट करिए। जब पूरे में एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा टर्म, ये भी खत्म हो जाएगा टर्म, यहाँ साइन जीरो जीरो ये भी खत्म हो जाएगा टर्म, यहाँ इसकी जगह जीरो पुट करोगे तो सी वन आ जाएगा बस। तो वाई जीरो आ जाएगा सी वन, तो सी वन की वैल्यू जीरो। अगला उठाना वाई पाई बाई टू इक्वल टू जीरो। वाई पाई बाई टू का मतलब इसमें पूरे में एक्स की जगह पाई बाई टू रख दो, कॉस पाई बाई टू जीरो ये टर्म खत्म हो जाएगा, साइन पाई बाई टू वन, तो सिर्फ सी टू बचेगा। यहाँ पर रखो कॉस पाई बाई टू जीरो खत्म हो जाएगा पूरा टर्म, याना यहाँ रखो एक्स की जगह पाई बाई टू तो हो जाएगा साइन पाई बाई टू। साइन पाई बाई टू वन होता है लेकिन लॉग वन जीरो होता है, इसलिए ये टर्म भी खत्म। तो सिर्फ खाली ये टर्म बचेगा साइन पाई बाई टू वन, तो सी टू बचेगा बस, और इक्वल टू में जीरो। सी वन सी टू दोनों जीरो हो गया, तो इसका मतलब है फिर वाई आपका कितना हो जाएगा, ये जीरो खाली बचेगा आपका माइनस का एक्स कॉस एक्स, और प्लस का हो जाएगा साइन एक्स, और ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स। पहले तो एक वाला पार्ट हो जा रहा है कि आपका ये वाई नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव सोल्यूशन है, जहां पर एक्स कितना है जीरो से पाई बाई टू के बीच, नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात तो यहीं से आ गई। देख लो जरा सा भाई, एक्स जीरो से पाई बाई टू के बीच है, ठीक है, ये पार्ट इरेज कर देना नीचे वाला। कहां बच रहा है, नहीं भैया गलत बता रहे हैं आप, एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं आपको। ये लिखा था सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, जब एक्स जीरो रखोगे तो क्या बचेगा जरा बताओ भाई। भाई वाई जीरो बराबर जीरो है, हाँ ये मल्टीप्लाई में है ना, पूरा खत्म हो जाएगा। चलो हटा दो, तो y की वैल्यू ये आ गई। अब आपको कह रहा है क्या दिया है, आपको कह रहा है x जो है वो जीरो से पाई बाई टू के बीच है। तो पहले तो हम चेक कर रहे हैं भाई, ऑप्शन में पूछ रहा है कि ये सॉल्यूशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सॉल्यूशन नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, मतलब y नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव आएगा इस इंटरवल में। अच्छा x अगर जीरो से पाई बाई टू के बीच, यानी x तो पॉजिटिव हो गया, x तो पॉजिटिव है, और cos x क्या होता है भाई, जब x जीरो से पाई बाई टू के बीच है तो cos x की वैल्यू जो भी आएगी जीरो से वन के बीच आएगी, बताइए भाई पॉजिटिव आएगी जीरो से वन के बीच आएगी, और साइन एक्स की वैल्यू भी जीरो से वन के बीच आएगी, साइन एक्स की वैल्यू भी जीरो से वन के बीच आएगी। कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई। एक्स अगर जीरो से एक मिनट क्या हुआ, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है वन, कॉस पाई बाई टू की वैल्यू जीरो, हाँ बिल्कुल ठीक लिखा हमने। हाँ क्या बोल रहे हैं भाई, कॉस जीरो माइनस इंफिनिटी होता है, तो लॉग जीरो हम निकाल कहां रहे हैं, हमें निकाला। तो हम रख कहां रहे हैं यहां पर, अभी हम रख कहां रहे हैं, रुक जाइए, हम रख ही कहां रहे हैं, ये तो जीरो कहां है, जीरो से ज्यादा कह रहा है ना, जीरो पे थोड़ी कह रहा है ये। अरे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना के रखा है भाई, सुनिए सुनिए, हम सोच रहे थे किसी ने पूछा क्यों नहीं, शायद समझ में आ गया होगा। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, जब इसमें x बराबर जीरो रखोगे ना इस टर्म में, तो आपको दिखा रहा है इस टर्म में जब आप x की जगह जीरो रखेंगे आप, तो ये साइन जीरो जीरो हो जाएगा, और यहाँ साइन जीरो जीरो लॉग जीरो इन्फिनिटी। अच्छा अब ये बन जाएगा, अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गए जीरो इंटू इन्फिनिटी। तो इसको कैसे करते हैं, जब ये जीरो इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म बन गई है, तो इसको करने के लिए ये लिखा आपका साइन एक्स, इसको तीसरे इसको नीचे भेज देना, इसको नीचे भेज देना आप, साइन एक्स को अपॉन में भेज देना, हो जाएगा कॉसेक एक्स। अब चेक करो फॉर्म, जो ऊपर आ जाएगा इन्फिनिटी, कॉसेक जीरो इन्फिनिटी, अब एल हॉस्पिटल लॉ लगाइए, आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका काम है खुद से, समझ आ गया, तो हमें सोचा शायद आ गया होगा समझ में, शायद एल हॉस्पिटल लॉ लगाना आपका आ जाएगा जीरो, ठीक है, ये आपका खुद का काम है भाई। चलो फिलहाल अच्छा, साइन एक्स अगर जीरो से वन के बीच है तो लॉग साइन एक्स क्या होगा जरा बताना भाई। लॉग साइन एक्स जो होगा
भाई कोई भी नंबर अगर याद रखना है, जिनको नहीं मालूम वो सुन ले, कि अगर लॉग बेस में वन से बड़ा कोई नंबर लिखा है, बेस में फिलहाल अभी तो ई लिखा हुआ है, बेस अगर वन से बड़ा है कभी, ठीक है, ये आपको बताया हुआ शायद हमने, बताऊं नहीं बताया सुन लीजिए, बेस अगर वन से बड़ा है और एक्स जो है, बेस क्या ले रहे हो आप, अगर बेस जो है वो वन से बड़ा है और एक्स जो है वो भी आपका वन से बड़ा है, तो फिर उस केस में ये पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर बेस आपका जीरो से वन के बीच है लेकिन एक्स आपका वन से बड़ा है, तो उस केस में ये नेगेटिव होता है, और सुन लीजिएगा। और अगर आपका बेस जो है वो आपका वन से बड़ा है लेकिन एक्स जीरो से वन के बीच है, तो फिर ये आपका फिर नेगेटिव होता है। तो ऐसे समझ लो, कुल मिला के दोनों में से कोई एक अगर वन से बड़ा होगा और दूसरा जीरो से वन के बीच होगा, बेस और ये नंबर जिसका निकाल लो लॉग, अगर इनमें से एक कोई वन से बड़ा होगा और दूसरा जीरो से वन के बीच होगा, तो लॉग नेगेटिव होता है। और अगर दोनों में से दोनों अगर आपके जीरो से वन के बीच हो जाएंगे तो लॉग पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर दोनों वन से बड़े हो जाएंगे तो भी लॉग पॉजिटिव। अभी तीसरा एक और बना सकते हो आप, अगर आपका ए भी जीरो से वन के बीच है और एक्स भी जीरो से वन के बीच है तो भी पॉजिटिव होता है, यहां लिख दे रहे भाई, तो भी पॉजिटिव कब, जब आपका ए भी जीरो से वन के बीच हो और एक्स भी आपका जीरो से वन के बीच हो, तो पॉजिटिव हो जाता है आपका। तो ये बात याद रखना, थोड़ा सा नीचे कर दे रहे, आप लिखना चाहो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर दिया ट्रैपॉड हमने, ज्यादा नीचे हो गए लिखने में। ठीक है, तो याद रखना भाई। चलो फिलहाल हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, क्योंकि लॉग साइन एक्स में बेस जो है वो तो ई है, ई हमेशा वन से बड़ा होता है, ई की वैल्यू तो 2.7 होती है। तो देखो भाई, लेकिन ये नंबर तो जीरो से वन के बीच है और बेस वन से बड़ा है, तो ये वैल्यू लॉग कैसा होगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव होगा। अच्छा, साइन एक्स तो पॉजिटिव है, तो ये साइन एक्स तो जीरो से वन के बीच होगा भाई, जीरो पाई बाई टू पे, तो फिर आपका साइन एक्स लॉग साइन एक्स ये आपका जो है वो नेगेटिव आएगा, ये आपका नेगेटिव होगा। पता है ना क्यों, क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आपका नेगेटिव होगा। और यहां पर आ जाओ भाई, यहां पर एक्स पॉजिटिव है, कॉस एक्स भी पॉजिटिव है, तो एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एंड एक्स कॉस एक्स इसी के आगे लिख देना कहीं पर, एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस एक्स कॉस एक्स तो नेगेटिव हो जाएगा। भाई जब ये पॉजिटिव है तो माइनस लगा है तो आगे नेगेटिव हो जाएगा, फिर तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का सम नेगेटिव, इसका मतलब वाई कितना हो जाएगा, वाई आपका नेगेटिव। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, ट्रू हो गया, ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी वाला, पांचवे का सी वाला ट्रू है। कोई डाउट हो तो बताइए भाई, पांचवे का सी वाला आपका ट्रू है। और देखते भी कॉन्वेक्स कॉन्केव वाली बात आपको नहीं बताई है, वो भी सुन लो, तो ऑप्शन सी वाला ट्रू हो गया। पहले बताओ इसमें कोई डाउट हो तो हमको बताइए, पहले सब लोग किसी कोई डाउट हो तो बताइए कहीं पर भी, ये मत सोचना कि दूसरा नहीं पूछ रहा तो हम भी नहीं पूछेंगे, ये बीएससी एमएससी नहीं है, यहाँ पर जितने डाउट हो सब क्लियर करिए। तो चलिए भाई वापस आ जाते हम लोग, तो इसमें कोई दिक्कत हो बताइए सबको, फिर से हम बोल दे रहे एक बार पूरी बात, x क्योंकि 0 से पाई बाई 2 के बीच है, यानी x पॉजिटिव, 0 से पाई बाई 2 का मतलब होता है भाई cos की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, साइन की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच होती है भाई, ठीक है, तो इसका मतलब है cos अगर 0 से 1 के बीच, यानी cos पॉजिटिव x भी पॉजिटिव, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, लेकिन आगे माइनस लगा इसलिए नेगेटिव, तो ये पूरा टर्म नेगेटिव। और अगर एक साइन एक्स जीरो से वन के बीच है तो लॉग उसका क्या होगा, क्योंकि बेस ई है, ई का मतलब होता है 2.7, यानी बेस वन से बड़ा, जब बेस वन से बड़ा हो और लॉग जिसका निकाल रहा हो वो जीरो से वन के बीच हो, तो लॉग की वैल्यू नेगेटिव होती है। हमने आपको पूरा लिखा दिया भाई आपको, तो आपका बेस अगर जीरो से, बेस अगर वन से बड़ा हो और जिसका लॉग निकाल रहे हो वो आपका जीरो से वन के बीच हो, तो फिर लॉग की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, साइन एक्स था पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, साइन एक्स पॉजिटिव तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव, तो ये नेगेटिव,
तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव का सम नेगेटिव होता है भाई, पता ही सबको, माइनस माइनस का सम माइनस ही तो होता है, माइनस टू माइनस थ्री को करोगे तो माइनस का फाइव नहीं आ जाएगा, तो इसका मतलब वाई पूरा क्या है, नेगेटिव, तो ऑप्शन सी सही है। अब उसके आगे और पूछ रहा है भाई, इसके आगे और पूछ रहा है आपसे कि फंक्शन कॉन्वेक्स है कॉनकेव है, ये आपका बहुत पहले होता था बीएससी फर्स्ट ईयर में इसको होता था थोड़ा सा, कोई बात नहीं फिर से याद दिला कर दे रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस में थोड़ा सा होता था ये कॉन्वेक्स कॉनकेव वाली बात। तो पहले तो कॉन्वेक्स कॉनकेव वाली बात लिख लेना भाई, तो एफ यहां लिखना, एफ ऐसे लिख देना ब्रैकेट बना के पूरा, एफ एफ अगर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट कर, एफ डबल डैश ऐसे लिखो, अगर एफ डबल डैश जीरो जो है, एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट, अगर एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा है, पहले तो यही बात आती है भाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, अब जो भी होगा इंटरवल, फिलहाल अभी यहाँ इंटरवल आई लिख दे रहे, ठीक है, जो भी इंटरवल होगा, जैसे यहाँ पर इंटरवल कौन है, जीरो से पाई बाई टू, भाई इसका मतलब क्या है पता ना, इसका मतलब है ओपन इंटरवल जीरो से पाई बाई टू, तो अगर आपका एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, पहले तो यही बात आ गई, यानी एफ का डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एंड और क्या हो गया, तो देन देन अगर आपका एफ डैश एफ डबल डैश एग्जिस्ट कर रहा हो पहले तो, और उसके बाद अगर वो पॉजिटिव आ रहा है तो एफ कॉन्वेक्स होता है, नेगेटिव आ रहा है तो कॉनकेव होता है, अगर एफ डबल डैश एक्स आपका पॉजिटिव है किसके लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, दिए गए इंटरवल में एक्स आई में, फिलहाल इन आई इंटरवल कौन है, जीरो से पाई बाई टू, तो इसमें लोगे आप, अगर ये ऐसा है तो आप कहोगे कि आपका एफ कैसा है, एफ आपका कॉन्वेक्स है, एफ कॉन्वेक्स है, और अगर आपका ये नेगेटिव है, अगर ये आपका एफ एफ डबल डैश यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है पूरे इंटरवल में, तो फिर आपका एफ कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है, याद रखना भाई, कॉन्वेक्स कॉनकेव ये होता है। तो चलो चेक करते हैं भाई जरा सा, डबल डेरिवेटिव पहले तो निकाल लिया जाए हम लोग, पहले तुम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल ले, पहले इसको लिख लिया, लिख लो भाई जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर से इरेज कर दे रहा, पहले इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना, तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं हम लोग। तो ये आपका कितना लिखा है, वाई जीरो बराबर जीरो था, कोई बात नहीं, इसका कोई काम नहीं है, तो y की वैल्यू कितनी आई थी, माइनस का x cos x प्लस का sin x log sin x, भाई जो डबल डेरिवेटिव निकालो, पहले y डैश निकालेंगे आप, ठीक है, y डैश कितना आ रहा है भाई, y का है fx का, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई, y डैश कितना आएगा, ये आ जाएगा x, cos x का होता माइनस sin x, तो ये आपका प्लस का हो जाएगा, और फिर प्लस cos x ऐसे ही x का वन हो जाएगा, यहां पर करोगे आप तो फर्स्ट सेकंड यहां भी लगेगा आपका, यहां पर भी आपका फर्स्ट सेकंड लगेगा। अरे डबल डेरिवेटिव तो दिया ही हुआ है, क्यों निकाल लो, टाइम वेस्ट कर, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, डबल डेरिवेटिव तो दिया ही हुआ है भाई, इसको मान लो, ऐसे लिखो, डबल डेरिवेटिव दिया ही हुआ है, ऐसे लिखो, फ्रॉम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों जस्ती दिमाग लगा रहे हम लोग, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन तो दिया ही हुआ है आपको, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू यहां से निकाल लो, कितनी है बोलो जरा सा, कॉसेक एक्स माइनस का वाई, कॉसेक एक्स माइनस का वाई, डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब है डबल डेरिवेटिव ना, वाई डबल डैश कितना है, कॉसेक एक्स माइनस का वाई। अच्छा अब आप बता दे आपको जरा सा, अब ये देख लो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है पूरे इंटरवल पे, नेगेटिव आ रहा है, तो एक बात आपको बताए भाई, एक्स क्या है आपको बताइए भाई, आपको अभी बताया हमने, जब एक्स आपका जीरो से पाई बाई टू है तो इस पर जो वाई है वो आपका नेगेटिव है, तो वाई कैसा है आपका, नेगेटिव है, बताइए आपको, यानी वाई नेगेटिव, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। कॉस एक्स की बात करो भाई, कॉस एक्स आपको पता है एक्स जीरो से पाई बाई टू पे जो होता है, जब एक्स जीरो से पाई बाई टू जब होता है तो आपका सारे नंबर, एक्स जीरो से पाई बाई टू का मतलब कहाँ है, एक्स जीरो से पाई बाई टू का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स जीरो से पाई बाई टू का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना कि नहीं भाई, जीरो से पाई बाई टू का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं भाई,
तो इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, और साइन एक्स क्योंकि 0 से 1 के बीच है तो कॉसेक जो होगा वो 0 से 1 के बीच नहीं हो सकता, पता है ना भाई, साइन एक्स और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन एक्स अगर 0 से 1 के बीच है तो ये आपको ये भी बता दे कहां से कहां तक होगा, क्योंकि साइन एक्स क्या है 0 से 1 के बीच है, तो कॉसेक क्या होगा भाई, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन एक्स, जब नीचे वाला नंबर 0 से 1 के बीच होगा तो ये ऊपर वाला नंबर, तो ये कितना आएगा पूरा 1 से बड़ा, तो कॉसेक एक्स जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, कुछ भी 1 से बड़ा आएगा कुछ भी। तो ये भी पॉजिटिव और ये वाई नेगेटिव था, तो यह माइनस पहले ही था, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आपका पॉजिटिव और वाई भी का वाई नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया पॉजिटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव का सम पॉजिटिव, यानी वाई डबल डैश आ गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया कॉन्वेक्स है, अभी पीछे बताया था वाई डबल डैश या एफ डबल डैश इससे मतलब नहीं है, तो एफ डबल डैश अगर 0 से बड़ा होता है तो वो कॉन्वेक्स होता है, तो इसका मतलब वाई कैसा हो गया आपका, वाई हो गया आपका कॉन्वेक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा भी सही हो गया, ए भी सही हो गया, तो ऑप्शन ए भी ट्रू हो गया, तो ऑप्शन ए और सी आपका ट्रू हो गया। कोई डाउट हो तो बताइए भाई। अब भाई इसका 7 नंबर वाला हम कल ही बताएंगे भाई, ठीक है, बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, बता नहीं पाएंगे, टाइम थोड़ा सा तबीयत नहीं ठीक है, तो हम इसको नहीं बता रहे 7 वाला, कल बता दें, कोई बहुत टफ नहीं है, कैलकुलेशन ज्यादा है, कोई टफ नहीं है, क्योंकि तो उसमें एक सोल्यूशन जो है वो आपने एक चीज नहीं करा है, हम थोड़ा सा, हम एक आपको एक बार बात बता दे रहा था, एक मिनट वाली बुक खोलना जरा भाई, MD रायसिंघानिया जी वाली बुक खोलना एक बार सब लोग, MD रायसिंघानिया वाली बुक खोलना सब लोग एक बार, ओपन कर ली, आपको बता दे रहे कि एक्सरसाइज है वो आपने नहीं लगाई है, वो लगा लेना जरा सा, MD रायसिंघानिया वाली बुक खोलना इसमें याद है चैप्टर आना, चैप्टर नंबर 10 आना, चैप्टर नंबर 10 जिसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर दिया हुआ था, ये नहीं पेज नंबर 10.29 पे, MD राय सिंघानिया के बुक में 10.29 पेज पे ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, ये अब लगा लेना, बहुत इजी कुछ नहीं, वर्किंग रूल दिया हुआ है आपको, देख लीजिएगा वर्किंग रूल ऊपर दिया हुआ है 10.29 पेज पे, एक्सरसाइज का नंबर ही बता दे रहे हैं हम, एक्सरसाइज नंबर है 10B है एक्सरसाइज, लेकिन आपको पूरा नहीं लगाना, थोड़े से क्वेश्चन लगाने हैं बस, बस आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए जरूरत पड़ जाती कहीं कहीं, तो एग्जांपल नंबर 1 लगाना आपको 10.29 पे, वर्किंग रूल पर दिया है, कोई टफ नहीं है, बहुत आराम से आप करना, आ जाएगा आपको, पेज नंबर 10.29 पे एग्जांपल नंबर 1, ज्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा काम करना है, और एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3, बस इतना करना, बस बहुत है, बस थोड़ा सा नॉलेज के लिए इसलिए करा दिया, वो कहेंगे जरूरत पड़ जाती कभी कभी, तो आपको मेथड अगर आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी पड़ जाएगी जरूरत, तो एग्जांपल नंबर 1, 2, 3, ठीक है, तो क्या हुआ, हाँ अभी हम भेज देंगे, फिर से भेज देंगे आपके पास, हम भेज देंगे आपके पास ये बुक, PDF फॉर्म में बुक है, तो हम PDF फॉर्म वाली पूरी बुक भेज देंगे आपके पास, ठीक है, अभी हम क्लास के बाद फौरन भेज देंगे आपको, हाँ तो ये, हाँ पर्सनली सेंड कर देंगे, कोई बात नहीं भाई, पर्सनली सेंड कर देंगे हम, एक ना कि ये क्वेश्चन जो था आपका, ये थोड़ा रैमिंग थोड़ा टफ वाली चीज़ पढ़ाई है, क्योंकि अभी क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवा रहे हैं, थोड़ा शायद आपको दिक्कत कराओ, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि अभी आपका कुछ चीज़ें छूट गई हैं आपकी, तो जब आप पढ़ती रहेंगी तो हम 2-4 दिन में आपको दे देंगे पूरा, ये पूरा जितना पढ़ाया है पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे भाई, क्योंकि इतनी सारी हो चुकी है, मैं एक वीडियो देने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, तो हम पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे 2-4 दिन बाद, जब पढ़ती रहेंगी फीस जमा कर देंगी तो पूरी प्लेलिस्ट दे देंगे हम,
रूल्स आर रूल्स, रूल्स तो रूल्स होते रहे, आई मीन तो जब फीस जमा तभी पूरी प्ले ले, अगर एक आध दो चार वीडियो देनी होती तो हम तो ऐसे ही दे देते हम, लेकिन अगर प्ले लिस्ट पूरी देनी होती है तो फिर हम फीस जमा करे बिना प्ले लिस्ट नहीं देते हैं फिर तो हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको, तो ये क्वेश्चन आप लगाना और आपको आराम से बात आ जाएगी पूरी, ठीक है, ये आपको आराम से आ जाएगा क्वेश्चन जब लगाओगे आप, तो टूथ पे नंबर 10.29 पे नोट कर लीजिए क्या बता रहे हम। एग्जाम्पल नंबर वन, एग्जाम्पल टू, वन के जितने पार्ट है सब, और एग्जाम्पल थ्री, इतना लगाना बस, इससे ऊपर नहीं, इतने ही लगा लेना बस, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ये भी चीज आ जाए, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, तो वन टू थ्री ये भी आपको लगाना है। चलो फिर हम अब इसके बाद अब हम नहीं करा रहे इसके आगे आज हम, ठीक है, अभी हम इसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है, 7 नंबर बचा है, बड़ा टाइम जाएगा वो, अभी हो नहीं पाएगा, ठीक है, 8 बजने वाला है, 5-7 मिनट बाकी है, वो बड़ा टाइम जाएगा उसमें, कम से कम 15-20 मिनट लगेगा उस क्वेश्चन में, तो ये चीज आपका हो गया अभी, ठीक है। चलो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, हम लोग बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।